या तुम जो चीज में पहले पहले, पहले अपने आप को पहले पहचानोगे तुम्हारे में एक्सपर्टीज क्या है और फाइनेंस में एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो आईटी में एक्सपर्ट आई हो तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी है जिस पहचान लो उसके बाद आप उसके ऊपर काम करो और एक पर्टिकुलर जगह पे काम करो आज हमारे बीच बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने मुंबई के स्लम से लेकर के बिलेर होने तक का रास्ता तय किया है डेन्यूब के फाउंडर हैं और पूरा दुबई उन्हें वन परसेंट मैन के नाम से जानता है हजारों लोगों का जो खुद का घर होने का सपना होता है वो सपना इन्होंने पूरा किया है ही इज़ नन अदर देन मिस्टर रिजवान साजन थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आर शो इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस इतना बिजी स्केड्यूल स्टिल आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपके शो में आने के लिए मेरा भी आई आई वुड से एम वेरी हैप्पी अबाउट इट और अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करने के थैंक यू सो अगर शॉर्ट में वैसे तो काफी लोग आपकी जर्नी जानते हैं अगर शॉर्ट में आप बता सकें कि कैसे एक मुंबई के स्लम जैसा एनवायरमेंट और वहां से एक इतना बड़ा एम्पायर क्या चीज आपके लिए इंस्पिरेशन बनी और कैसे ये रास्ता तय हुआ जब मेरे डैडी एक्सपायर हो गए सोलह साल की एज में तो पूरा जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी तो उसके बाद फिर कुएत चला गया कुछ से फिर दुबई आया दुबई में मैंने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम अच्छा है तो वो थोड़ा बहुत सीखा मेरे बिल्डिंग मेटल का काम स्टार्ट किया तो फिर हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी तो सब लोग कर रहे हैं और प्रॉपर्टी अगर मुझे करना है तो कुछ अलग करना होगा क्योंकि बिल्डिंग मेटल में से जो पैसे बनाए थे उसमें से आ, अलग क्या कर सकते हैं कि आई टू टू सेल ऑफ द एक्सपर्ट जो यहाँ पे दुबई में रेंटेड अपार्टमेंट में रहे थे उनको घर दिलाना था उनको घर दिलाने के लिए पेमेंट जो नॉर्मल पेमेंट टर्म पे बेचना चाहता था तो कभी खरीद नहीं सकते थे बिकॉज वो सैलरी पीपल थे तो फिर वो वन परसेंट पेमेंट प्लान हमने स्टार्ट किया वो सिंपल था स्मॉल डाउन पेमेंट ट्वेंटी परसेंट डाउन पेमेंट लेते हैं वन परसेंट पर मंथ फॉर द नेक्स्ट एटी मंथ आपका अपार्टमेंट रेडी हो जाता है Uh, तीन साल के अंदर पर उसके बाद भी आप तीन साढ़े तीन, तीन साल तक वन परसेंट पर मंथ देते हो तो ये सबको अच्छा लगा बिकॉज ये मारी नहीं पड़ता है बिकॉज पे जिसने तीन चार साल काम किया हुआ है उसके पास वो छोटा सा आ, बचाया हुआ होता है पैसा तो डाउन पेमेंट में लगा देते हैं बाकी वो सैलरी से वन परसेंट पर मंथ देते हैं तो वो बड़े खुश है सबके सब इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन, इन रेंटेड अपार्टमेंट खुद का ध्यान देते हैं इन शॉर्ट दिस इज अ जर्नी और ये बहुत सक्सेसफुल रहा बहुत लोगों ने अभी तो फिलहाल तो मैंने स्टार्ट किया था कि यूएई के लोगों को मैं ये अपार्टमेंट दू बट फिलहाल दुनिया भर के लोग हमारे हिंदुस्तान से काफी लोग यहाँ से आके ये वन पर्सन स्कीम का फायदा उठा रहे हैं क्या बात है सर सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी दिस इज सो इस रास्ते में ऑफ कोर्स आपने इतना ईज वे में बता दिया बट ऑफकोर्स बहुत सारी मुश्किलें रही होंगी ये जर्नी तय करने में सो so, अगर आप कुछ अपने जो आपने ओवरकम किए अगर कुछ थ्री टू फोर लेसन आप ऑडियंस को दे सके कि इस जर्नी में जो सेटबैक्स आते हैं या जो ऑब्स्टेकल्स क्या माइंडसेट होना चाहिए को कोई भी एक नया डेवलपर आता है मार्केट के अंदर तो ऑब्वियसली बड़े इन लोग को पसंद you know, उनके सामने कॉम्पीट करना आता है कॉम्पीट करना होता है तो कोई भी, भी बिजनेस स्टार्ट करो आई वुड नॉट से जिसको मैं हमेशा मानता हूँ इसलिए हमने बिल्डिंग मटेरियल का काम स्टार्ट किया था तभी भी अलग तरीके के बहुत सारी के बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया डेन्यू बॉम्ब जो है हमारा जिसके अंदर घर की सब सामान आपको घर का सब सामान एक ही घर के एक ही शोरूम में मिलेगा आपको तो वैसे प्रॉपर्टी का जब भी काम किया तो हमने कि कुछ अलग करते हैं तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो अगर आप नॉर्मल वे में आप फॉलो करोगे दूसरे लोगों को तो वो थोड़ा सक्सेसफुल होना मुश्किल होगा अपने आपका यू हैव टू क्रिएट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट वेयर विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट दी बायर्स एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से नंबर वन एंड देन सेकेंड थिंग वेन्स यू हैव डिसाइडेड कि ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसके ऊपर आप कंसिस्टेंट रहिए मतलब ऐसा नहीं कि आज कुछ कर रहे हो कल कुछ कर रहे हो उसी उसी चीज को आप फॉलो कीजिए और उसको एकदम लगन से काम कीजिए और फिर फॉरगेट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आप काम करोगे आपने देखा होगा मेरे वीडियो मैं अपने प्रॉपर्टीज को अपने आप को मार्केटिंग अच्छा कर लेता हूं तो वो एक नाम होना जरूरी है मार्केट के अंदर तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता ईमानदारी से काम करो मार्केटिंग करो आपको फिर आपको भागने की जरूरत नहीं कस्टमर आपके पीछे

इन जिसके अंदर आपको ये सामान मिलेगा जैसे रिक्शा के पीछे आप लगाते हुए यहाँ पे बहुत सारे जगह पे अलग अलग जगह पे ट्रक पे लगाते हुए तो वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो वो बीस हजार दिलंबे हजार गाड़ी मेरी पूरे दुबई के अंदर फिर रही थी तो डेन्यू बिल्डिंग बुटल कर नाम हो गया तो वो पैसा छोटे लेवल से भी किस तरह से काम कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल एक एक पुराना ट्रक लिया ट्रक को खड़ा कर दिया एक मेन रोड के ऊपर साइड पॉलिटी के ऊपर जहां पे डेन्यू की ब्रांडिंग कर दी जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं था एक पुराना ट्रक का खर्चा था पेंटिंग करके उसको लगा दिया तो अलग अलग तरीके से मार्केटिंग <laughs> करा था क्योंकि पैसे नहीं उस थे में आज के जमाने तो और इजी हो हो गया हो गया डिजिटल इतना ब्लॉगर्स को आप लेकर आओ अपना प्लेटफॉर्मी करोगे करो, करो तो आपसे जो दिखता है वो दिखता है सो हैंडल द फेलियर्स बिकॉज यू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी बिकॉज आई सीन मेनी पीपल दे स्टार्ट देर मोटिवेटेड बट जैसे जैसे समय लिखता है या फेलियर्स यान लेन पॉजिटिव माइंड सेट वैन एक्सपीरियंस दो इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है उसके लिए और स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को टाइम देना जरूरी है सुबह में आप फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैं आधा घंटा स्विमिंग करता हूँ और डेढ़ घंटा मैं योगा के लिए देता हूँ योगा में के अंदर मेरा जो प्राणायाम होता है वो 20 से 25 मिनट प्राणायाम करता हो फिर 45 फाइव मिनट फिफ्सटी मिनट योगा करता और 15 से बीस मिनट मैं मेडिटेशन करता हो अगर आपने आप को माइंड अगर आप फ्रेट करते हो रहा तो फिर कोई भी ऑब्स्टिकल जो होता है आप उसको आराम से हंड्रेड परसेंट बिजनेस करोगे तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट इफ यू डोंट हैव दैट कूल माइंड एंड फ्रेश माइंड एंड स्ट्रेट थिंकिंग माइंड उसके लिए आपको अपने आप को दो घंटा सुबह में देना होगा खरा पीना ध्यान रखना है आप कहीं उलट ना जाओ जिसके वजह से आपके शरीर में आपको काम करने के लिए तो so, फेलियर्स के लिए और uh, फेलियर तो ऑफकोर्स आएंगे ऑब्सिकल आएंगे बट अगर आपका माइंड स्ट्रेट है आपके काम करने में आपको पता है कि ये फेलियर दया इसका आपको इस तरह से डिसीजन करके आप इसको पलट सकते हो और डेफिनेटली uh, उसके रास्ते निकल के आते हैं Beautiful i so resonated with this because even the initiative that we are doing is just to spread the mental wellness and inner wellness, make people aware about it because in today's hustle culture, many times uh, log itna zyada भाग भाग-दौड़ में लग जाते हैं कि जो खुद को वक्त देना है और आज ये belief भी एक मेरा strong हो गया कि आपने कहा कि आप at least one two hours खुद को दे रहे हैं, it is so important that people should become aware of it. मेरे लिए inspiration मोदी जी है.

हमारे एचआर डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली बूस्ट करते रहते बीच में हमने एक प्लान निकाला था कि वेट कम करो और अगर आप वेट कम करोगे तो एवरी ग्राम के ऊपर आपको गोल्ड मिलेगा एक, एक किलो के ऊपर आपको एक ग्राम गोल्ड मिलेगा तो किसी किसी ने पंद्रह पंद्रह बीस बीस ग्राम गोल्ड उठाया था तीन, <laughs> तीन महीने का एक प्रोग्राम बनाया था तो वैसे मोटिवेट करते रहते स्टाफ को किसी भी तरह से आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए वाह कितना क्रिएटिवली आपने किया है ब्यूटिफुल सर ब्यूटीफुल

ब्यूटिफुल सर बहुत ही ब्यूटिफुल और आ, कई बार आप एक ऑन्टरप्रीन्योरल हासिल कल्चर में ये माना जाता है कि आप अपना पूरा समय बिज़नेस बिल्ड करने में लगा दो तो कई बार रिलेशनशिप या जो दूसरे एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के वो कई बार बैक सीट पे चले जाते हैं तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं इतना बड़ा एम्पायर रन करना इतनी ट्रैवलिंग भी होती है आपकी और सो हाउ डू यू मेंटेन दैट वर्क लाइफ बैलेंस जो मुझे नजदीक से जानते है वो जानते हैं कि रिजवान भाई काम भी उतना करते हैं और पार्टी भी उतना करते हैं तो <laughs> मेरे दोस्त लोग जो है मेरे काफी दोस्त लोग है इन्विटेशन तो तो वहां से भी आती है मेरे यहाँ पार्टी होती रहती है तो आई एंजॉय लाइफ टू द और वो कैसे करता हूँ बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव द राइट पीपल वर्किंग फॉर यू एंड अगर आप मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन मेरे टेबल पे देखो तो एक भी पेपर नहीं है मेरा काम है डेलीगेशन करना एंड वो डेलीगेशन करते रहता हूँ राइट राइट

So, कई बार बहुत से लोगों में मैंने देखा है सर कि डेलीगेशन में बहुत से लोगों को फोबिया सा रहता है एक कि दे जो फियर डेलीगेशन स्पेशली जो यंग हैं और जो कर रहे है सो इफ यू कैन गिव फ्यू एडवाइसेस दैट हाउ दे कैन ओवरकम दिस फियर ऑफ डेलीगेशन आई है पीपल आर मच मोर एंड दे आर मच मोर हार्ड कैन बट अगर वो फियर रखोगे तो कभी नहीं होगा यू हैव टू मेकोर के वो जो काम कर रहे हो उसको इम्पोर्टेंटली उसको रिवॉर्ड करो और, और उनको हमेशा खुश रखो टू फाइट पीपल आई वेटेन दीपल इज अपू यू जैसे कि आप किस तरह से वो आदमी को रिटेन कर सकते हो वो आपने खुखी होनी चाहिए दे रहा है कि पूरा आप ही देख रहे हो उसको भी सामने आप टेक uh, केयर कर रहे हो एंड uh, वो कई नहीं छोड़ के जाएगा फिर लवली एंड हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव लाइक हाउ डू यू मैनेज योर डे इन सच अज सेट दैट टाइम लाइफ यूर वर्किंग एज वेल एंड इज नो पेपर ऑन योर टेबल एज वेल सो वॉट इज योअर प्रोडक्टिविटी हैक लाइक हाउ डू यू मैनेज योर डे एक कारा है जो मैं कभी कोई बाथरूम में गाता हूँ दुनिया में रहना है तो काम पे प्यार प्यारे हर सुबह नया कहे काम पे प्यार प्यारे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहो प्रोडक्टिव बनते रहो और दुनिया को दिखाते हो ये आज नया आया आज ये नया आया है और वो अपने स्टाफ को बोलोगे ये नया आपने को करना है और करते जाओ तो हमेशा आप प्रोडक्टिव रहोगे और दुनिया से आगे रहोगे लवली सर ब्यूटिफुल एंड क्या आप अध्यात्म की तरफ है स्पिरिचुअल Spiritual, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में यस बीइंग ए मुस्लिम आई प्रे आई डोंट प्रे फाइव टाइम्स आई वुड से पर दो नमाज जरूर पढ़ता हूँ मैं uh, सुबह में एक बार ऊपर वाले को कि मेरा दिन अच्छा जाए और शाम को जब भी दिन ख़त्म होता है कि बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कि आज दिन अच्छा गया तो ये दो नमाज मैं डेफिनेटली पढ़ता हूँ लेकिन मेरे घर वाले जो है मेरी वाइफ जो है वो पाँचों टाइम नमाजी है मैं समझता हूँ काफ़ी सारा उनका आ, मेरा सक्सेस के ऊपर उनका हाथ है बिकॉज वो नमाज पढ़ के पढ़ती है मुझे कि हमेशा तुम्हारा दिन अच्छा जाए तो मैं बिलीव करता हूँ लेकिन टाइम की वजह से मैं सिर्फ दो ही टाइम पढ़ता हूँ और पाँच टाइम मेरी सिस्टर मेरी ब्रदर मेरे वाइफ ये लोग सब लोग पार्ट टाइम नमाज दिए लवली सर एक चीज़ की बात लोग करते हैं बहुत बार और इवन हम भी मेंटल ट्रेनिंग्स में बात करते हैं पावर ऑफ कंडीशनिंग कि कई बार आप जिस एन्वायरमेंट में आते हैं वो एन्वायरमेंट के लोगों से कंडीशनिंग आपकी बनती है तो जैसा कि आपका जो बचपन रहा है वो बहुत ही एक स्लम्स uh, के एरिया में आपने देखा तो उस कंडीशनिंग से बाहर आप कैसे आए क्या वहाँ पर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुंस आपको मिला हव यू केम आउट ऑफ दैट कंडीशनिंग क्या हुआ कि स्लम्स में था तो शुरू में था में, उसके बाद फिर डैडी को जिससे मैंने बोला घर मिला उन लोग को तो फिर हम लोग फिर और लो सिस्टम में आ गए थे तो मेरा बचपन वहीं गुजरा तो कंडीशन तो ऐसे कोई खास नहीं हुई थी उसके बाद जब मैं कुेट में आया तो तभी मेरी कंडीशनिंग ज्यादा हुई बिकॉज अंकल ने मुझे मेरे डैडी एक्सपायर हो गए सोलह साल की एज में तो द उसके बाद फिर कुएत में मुझे बुलाया गया था अंकल ने मुझे कुएत में बुलाया तो वहाँ पे जॉब हुई तो वहां मेरी कंडीशनिंग ज्यादा हुई बिकॉज उस माहौल में एक हाई सर्कल में मुझे चांस मिला कि उसके उन, साथ में घूमो फिर और काफी उन्होंने कंडीशनिंग किया और उसके बाद मेरा मेरा अंकल का भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि तो उन्होंने मुझे में बुला के एक हाथ दिया और जब भी मैंने अंकल से स्टार्ट किया था एक ही ज्वाइन किया लेकिन जब मैं छोड़ा आई टू लीव द जॉब बिकॉज ऑफ सदाम ने इन्ट किया पूरी कंपनी को मैं मैनेज करता था ब्यूटीफुल था सच्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी और अब रेपिड फायर में हम जाए उससे पहले जस्ट वट इज योर विजन इन कमिंग टाइम आने वाले कुछ सालों में आप क्या विजन है क्या आपके गोल्स हैं अगर आप जरा शेयर कर सकें जो मुझे खुशी मिली है इतना साल काम करने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिली है लोगों को घर दिलाने में एंड आई है हाउस किस तरह से वो लोग मेरे लिए दिला के देते अगर आप शायद नहीं होते तो मुझे ये घर नहीं मिलता था और वो इंस्पिरेशन मुझे काफी उससे अच्छा लगता है तो मेरा ये ये विजन है कि मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर पेमेंट प्लान और किया। ये साल भी छह से आठ प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो ये बहुत खुशी मुझे मिलती है कि अपार्टमेंट उनको दो ऐसा अपार्टमेंट दो वो याद रखे कि जो प्राइस और पेमेंट ने दिया उनको ओनली पेमेंट अपना फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट देता हूँ फर्नीचर पे एक क्लास देता हो उनको जो फिटिंग यूज करता हो एकदम टॉप मिला की करता हो। तो जब एक घर में वो जाते हैं और उनको जो तो एक एक बच्चे लोग स्विमिंग नहीं कर सकते थे आज अपार्टमेंट के वजह से तुम्हारे अपार्टमेंट के वजह से मेरे बच्चे लोग आज स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं तो दे फील सो कुड हैव नेवर इवन ड्रीम कि खुद का वो घर खरीद के आ रह सकते हैं और अपनी फैमिली को इंडिया वाले से बुला के रह सकते हैं सब से तो तो ये मेरा तो जाके विजन मेरा यही है कि मैक्सिमम घर बनाओ लोगों को दो ताकि ये उनका भी काम चलता रहे और मेरा भी काम सो एक्सप्लेन सर थैंक यू सो मच फॉर दैट हार्ट टचिंग इंस्पिरेशन दैट यू आर ब्रिंगिंग एंड नाव विल मूव टू द रेपिड फायर राउंड सो रेडी सर यस सर यस ओके सो मोस्ट सरप्राइजिंग पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ योर

तो फिर से मैं बकरा लगा लूंगा कहीं ना कहीं और अपना बुक्स दूंगा या जो क्राफ्ट <laughs> फायर दूंगा बेचाता कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं था <laughs> oh, wow, uh, uh, लग्जरी है, है, uh, है तो यूज करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लग्जरी के बगैर मैं कहीं भी रह सकता हूँ कुछ भी कहीं खा सकता कोई ब्रांडेड कोई ब्रांडेड का शौक नहीं है ऐसा कोई नहीं है भाई कहीं कोई भी ले सकता ऐसा कोई लग्जरी नहीं जिसके बगैर बहुत बढ़िया जी सबसे वेल्थ को लेके सबसे बड़ा जो लोगों में होता है इंडिया किसी के हाथ में भी वेल्थ है तो काफी लग्जरी एंजॉय कर सकते हो वेल्थ होना जरूरी है लेकिन नहीं है वेल्थ तो उसमें भी खुशी मिल सकती है बट आई वु टूडे जनरेशन में अगर कमाने मिलता है तो लोगों को कमाना चाहिए ज उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस तो है तो कोई नहीं है लेकिन वेल्थ के पीछे इतना नहीं भागोगे के तुम सब कुछ भूल जाओ राइट right. कोई चैरिटी जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है हार्ट के बहुत सारी चैरिटी हम लोग करते हैं अभी मैं चैरिटी का तो बोल नहीं सकता लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस चलाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेन जो ब्लू कॉलर वर्कर्स है उनको इंग्लिश सिखाता हूँ बहुत सारे बच्चे लोग के लिए स्कॉलरशिप देता हूँ तो अभी एक स्कूल भी डालने का सोच रहे फुल फ्लैश स्कूल भी डालने का तो इस तरह से मेरा मेरा डायरेक्ट क्या होता है कि गिविंग किसी को पैसा देना उनको सिखाओ ताकि वो अपने आप पैरों पे खड़े हो जाए कॉलेट वर्कर का जो स्कीम चालू किया है ऑलमोस्ट हजार से पंद्रह सौ लोग इन यू पढ़ रहे प्लस पांच सौ लोग इन बॉम्बे में पढ़ रहे तो वो अपने आप से जो कभी कभी लिखा नहीं था इंग्लिश कभी पढ़ा नहीं था वो अपने आप से सीख रहे और उनकी सैलरी थर्टी फोर्टी फिफ्टी परसेंट बढ़ गई है क्या बढ़िया थॉट प्रोसेस है सर कि वो कहते हैं ना कि किसी को फिश देने से अच्छा है, फिशिंग सिखा दीजिए आप वो ज्यादा बेटर है beautifully explained. So, one thing about Dubai जो आपको अभी भी अमेज करती है इतने सालों बाद भी इट्स लाइक नॉन स्टॉपिंग नॉन स्टॉपेबल दुबई ऐसी जगह है कि आज एवरी दो साल के बाद आओगे और एक साल के बाद आओगे आपको लगेगा कितनी चीज नहीं आई फॉर एग्जाम्पल हम लोग दुबई में रहते हैं हमको शायद काफी टाइम कैचअ करना डिफिकल्ट होता है कि इतने रेस्टोरेंट खुल गए इतने खुल गए इतने पार्क खुल गए इतना इनोवेशन आया हुआ है एंड ये क्रेडिट गोस टू ओनली वन मैन शेख मोहम्मद जो सबको अपने पैरों में लाइक ही मेड श्योर कि ये इनोवेशन चलता रहे या चलता रहे तो और अमेजिंग है और यहाँ की रेस्ट ऑफ द अदर थिंग जो है उनकी सेफ्टी तो का सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर या का जो ईज ऑफ बिजनेस जो आप कर सकते हो ईज ऑफ आराम से रह सकते हो फैमिली को रख सकते हो

आपके बचपन से कोई ऐसी मेमोरी उन स्लम एरिया से या बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो आज भी आपके साथ रहती है पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था मुझे तो बचपन में डैडी से पैसे लेके पतंग उड़ा था तो उसके अंदर बहुत मात पड़ती थी बिकॉज पतंग एक से मिलते थे लेकिन दूसरा देख जुगाड़ और कर लेता था डैडी पीछे लगते थे इतने पैसे काटते आए और वो पतंग उड़ाने का तो मेमोरी कभी भूल नहीं सकता हूँ सो टचिंग एंड अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बने तो आप क्या चाहेंगे कि कौन उसमें एक्ट करे रणवीर सिंह गली बॉय गली लवली और लास्ट एनी टू टू तो थ्री एडवाइस जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें बिफोर वी रैप अप हाँ बस ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आ, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी काम करो तो पहले तो एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे क्या बिकॉज आज मैंने देखा है बहुत सारे यंग जनरेशन क्या कभी कभी पूछता है कि मैं बोलता है कि मैं कुछ करूंगा, बोलता है मैं क्या करूंगा या तुम जो चीज में पहचानोगे पहले -पहले तुम्हारे में एक्सपर्टीज क्या है तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी है जिस पहचान लो उसके बाद आप उसके ऊपर काम करो और एक पर्टिकुलर जगह पे काम करो इमीडिएटली नॉट बिकॉज के डैडी के पास पैसे या भाई के पास पैसे आपने पैसे लगा दिए जहां से भी आपको वो एक्सपर्टीज लगे वो एक्सपर्टीज को जानने के लिए आप वो पर्टिकुलर एक फॉर्म में काम कीजिए एक दो साल का एक्सपीरियंस दो तीन साल का एक्सपीरियंस फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए और आज बच्चे लोगों को बच्चे लोग को सिखाने की जरूरत नहीं मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है वो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है जस्ट दैट टेक्नोलॉजी को डेली सीखते जाओ और यू विल बी ऑन द टॉप और सबके पास पहुंच जाओगे आज टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया को तुम कब्जा कर सकते हो लवली सर सो थैंक यू सो मच रिजवान जी इतने शॉर्ट समय में इतने इंसाइटफुल लगेट्स आपने दिए आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आई विश कि हम ये लाइव शूट कर पाते इट वुड हैव बीन अमेजिंग एंड आई थिंक आई एम अबाउट टू कम टू दुबई तो अगर आपका वक्त मिलेगा तो वी विल लव कि आपको अगर लाइव और एक और एपिसोड हम शूट कर सकें क्योंकि इतनी बड़ी आपकी जर्नी है तो थैंक यू सो मच मीटिंग so और जरूर आप आऊंगे तो मिलूंगा और इन शब ला लाइव भी शूट करेंगे थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू